नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक टू तो व्यू स्पोर्ट आफ्टर अ सक्सेसफुल ओडीआई सीरीज बिटवीन साउथ अफ्रीका वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन अब हम पहुंच गए हैं टी ट्वेंटी सीरीज पर दोनों टीम्स खेलेंगी पांच मैचेस आपस में एंड जो पहला टी ट्वेंटी इंटरनेशनल है वो खेला जाएगा सिक्स अक्टूबर को रात को साढ़े बजे एंड मुझे पता है कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया है एंड आप लोग सब बिजी हो गए हो वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने में बट वुमेन मैचेस भी खेलना मत भूलिएगा सीधा चलते हैं दोस्तों स्कॉड्स की तरफ तो पहले देख लेते हैं न्यूजीलैंड का स्कोड आपकी स्क्रीन पर है न्यूजीलैंड का स्कॉट इसमें अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन की बात करूं तो मोस्टली खेलते हुए दिखनी चाहिए सोफी डिवाइन सूजी बेट्स अमिलिया केयर मैडी ग्रीन ब्रुक हेलीडे इजी गेस हैना राव जेस केयर लिया तहुहू ईडन कार्सन और फ्रैंक जोनस बात करें साउथ अफ्रीका के स्कॉड की तो यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन मोस्टली होना चाहिए लॉरा वोलबर्ट इनकी कैप्टन टाजमिन ब्रिज डी क्लर्क सून लूस सिनोला जाफ्ताब मारिजान कैप आय खाका एन लाबा क्लोई ट्रय और मासाबाता क्लास अब चलते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस की तरफ कैसी रही दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस लास्ट टेन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स में तो पहले यहां देखेंगे न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस आप यहां देख सकते हो कि लास्ट टेन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स में न्यूजीलैंड ने तीन गेम्स ही हारे हैं और बाकी सात गेम्स जीत कर आ रही है वहीं अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका के रिसेंट परफॉर्मेंस की तो लास्ट टेन गेम्स में से साउथ अफ्रीका ने केवल चार जीते हैं और छह गेम्स वो हार कर आ रही है ओडिया सीरीज जरूर साउथ अफ्रीका ने जीती बट इनका जो टी ट्वेंटी फॉर्म है वो काफी बड़ा कंसर्न है क्योंकि जो इनका लास्ट सीरीज हुआ था दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान जो कि साउथ अफ्रीका से लोअर रैंक टीम है एंड उनसे वो टी ट्वेंटी सीरीज हार कर आ रही है थ्री जीरो से भाई न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वो लास्ट टी ट्वेंटी सीरीज अपना श्रीलंका से जीत कर आ रही है टू वन से एंड ओडियाई सीरीज भी जो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसमें लास्ट ओडीआई में सीरीज ओवरऑल जरूर हार गए थे बट मोमेंटम अभी अच्छा है न्यूजीलैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड की वन साइडेड लीड है जो कि है टेनिस टू थ्री बट जो लास्ट मैच ये खेले थे आपस में साउथ अफ्रीका वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन ने इन्हें हरा दिया था विच वॉज इन द वर्ल्ड कप दिस ईयर जो कि टी वर्ल्ड कप था इस साल का सिक्सटी रन से हारी थी न्यूजीलैंड तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोनों आई थिंक हमें इक्वल ही दिख रही हैं एंड हम जाएंगे सिक्स फाइव कॉम्बिनेशन के साथ वो ही आइडियल रहेगा इस गेम में अगर साउथ uh, अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो अब उनके विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो उनके विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं अब चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पर तो यह गेम खेला जाएगा बफेलो पार्क ईस्ट लंडन में जहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल लास्ट फाइव गेम्स में देखा गया वन ट्वेंटी का एंड टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है लास्ट तीनों ही गेम्स टीम बैटिंग सेकंड जीती है पेस वर्स स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स को मदद मिलते हुए इस वेन्यू पे ने ने। निकाली निकाली है, हैं में और है, पेसर्स ने। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड करना मत भूलिएगा लिंक है पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में वहां पर हम आपको सारी अपडेट देते हैं टॉस के बाद और लाइनअप आने के बाद की पिच कैसी है कंडीशन कैसी है सब आपको मिल जाएगा वहां पर

जो नेक्स्ट आएगी वो है मारिज़न कैप जो कि नाइन एन एक्स में ट्वेंटी टू की एवरेज से वन सेवेंटी सेवन रन बना चुकी है सोने लूस ने बनाया है वन सिक्सटी सिक्स रन क्रोई ट्राइन बना चुकी है वन सिक्सटी फाइव रन भाई नडीन डी ने बनाया है वन फोर्टी थ्री रन बात करें इनके बोलस की तो सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं एन लाबा ने 14 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 15 विकेट्स इस साल स्ट्राइक रेट है 20 से भी कम का माचदान के आपने 11 इनिंग्स में 11 विकेट्स निकाली हैं आई बॉका खाकर ने 10 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली हैं इसके अलावा मासापाता क्लास छह विकेट्स निकाल चुकी है एंड सुखु खुने और क्रोहित्रायर ने चार चार विकेट्स निकाली है इस साल अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम की तरफ बट तो दोस्तों बेस टीम डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसी चल रही है व्यू स्पोर्ट एल्गो की 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 टीम्स कल की तो दिन बहुत ही कड़क रही एक बेहतरीन क्लीन स्वीप के साथ एशियन गेम के पहले गेम में श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान में जो हमारे वाइस कैप्टन थे नुवान तुषारा ने ली चार विकेट और अकेले देखे दो से भी ऊपर पॉइंट इसके अलावा ईसीसी के गेम्स रोज ही अच्छे जाते हैं बट स्पेशली कल का जो गेम था स्वीडन वर्सेज एस्टोनिया उसमें एल्गो ने बैक किया था सुद्दाइज खान को अलोंग ओपनर्स एंड वो अकेले गेम चेंजर रहे एंड 93 पॉइंट्स दिला दिलाव तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम्स होती हैं वो स्मॉल लीग के लिए ही बनी होती हैं तो उनसे स्मॉल लीग्स ही खेलिएगा एंड अगेन हर एक गेम जीतना पॉसिबल नहीं है आप एक लिख पकड़कर चलो उसके सारे गेम्स खेलो एंड उसमें से अगर आप आधे गेम्स भी जीतते हो तो आप नेट प्रॉफिट में ही रहोगे अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन द फैक्ट की हर एक गेम जीतना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है एंड जो ये एगो की टीम्स होती है इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है हम नहीं इसमें कोई भी छेड़खानी करते हैं ये सारी की सारी डेटा बैक्ट टीम्स होती है तो आप लोग बस स्मॉल लीग से ही खेलिएगा एंड लीग पकड़ के चलिएगा यही रहेगा हमारा रेकमेंडेशन अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम की तरफ सीधा तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी हमने किसी को नहीं रखा है लाइक आई साइड जो भी पहले बैटिंग कर रहा है आप उसके विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं बैटिंग सेक्शन में हमारी बेस टीम में रहेगी सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की अगर इनके मैं पिछले पांच आउटिंग्स की बात करूं तो पांचों में ही थर्टी से ऊपर रन बनाकर आ रही है तीन बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है इसके अलावा इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले आठ हेड टू हेड मीटिंग्स में नाइन्टी थ्री की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने थ्री सेवेंटी रन बना चुकी हैं एंड इनके मैचअप की बात करूं तो ऑलमोस्ट की एवरेज से रन बनाए साउथ अफ्रीकन बोलर्स के अगेंस्ट टी में टू नाइन सेवन बना चुकी अगली जो हमारी बेस टीम में रहेंगी वो रहेंगी साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वुलबार्ट ये भी पिछले छह आउटिंग्स में 40 से ज्यादा रन बनाकर आ रही हैं हर एक आउटिंग में एंड साउथ अफ्रीका के लिए लीडिंग रन गेटर थी जो अभी ओडिया सीरीज हुई उसमें भी 200 सौ रन बनाए इन्होंने इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने जो पिछली टी इंटरनेशनल सीरीज खेली थी उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था इन्हें वन फिफ्टी रन बनाए थे उन्होंने पचास के ऊपर की एवरेज से जो लास्ट हमारी बेस्ट टीम में रहेगी वो रहेगी साउथ अफ्रीका की टाइजमिन ब्रिट्स जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म इनका जरूर कंसर्न है बट टी अच्छा किया है इस साल 386 एटी सिक्स बनाए हैं ऑलमोस्ट 43 की की एवरेज से एंड अगर मैं पिछले 7 इनकी आउटिंग्स बात करूं तो पांच में ये 45 से ज्यादा रन बनाकर आ रही है इसके अलावा इस वेन्यू पे भी एक हाफ सेंचुरी लगा चुकी है एंड अनबीटन रही थी तो टैजमिन ब्रिट्स यहाँ रहेंगी हमारे बैटर सेक्शन में इन द बेस्ट टीम आपने देखा होगा की ओर में हमने इन्हें नहीं फेवर किया था बट टी में इन्हें ड्रॉप करना हैल्ड कप में आया तो तो था इन्होंने टू पॉइंट वन ओवर्स डाले थे और दो विकेट भी निकाली थी इसके अलावा न्यूजीलैंड बोलर के अगेंस्ट ये भी पसंद करती है खेलनाज से रन बना चुकी है एंड चार विकेट भी निकाल चुकी है टॉप सिक्स न्यूजीलैंड बैटर्स के अगेंस्ट अमिलिया केट की बात की जाए तो पिछले सेवन हेड टू हेड आउटिंग में केवल एक ऐसा आउटिंग था जिसमें विकेटलेस गई थी अभी ऑलडोन इनकी थोड़ी सी बोलिंग फॉर्म की कंसर्न जरूर चल रही है बट बैटिंग से ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रही है पिछले चार आउटिंग में वन फोर्टी सेवन रन बना चुकी है फोर्टी नाइन की एवरेज से लीडिंग रन गेटर थी ओडीआई सीरीज में अभी टू हंड्रेड एंड टेन रन बनाए इन्होंने एवरेज था सौ से भी ऊपर का विच इंक्लूड एन अनबीटन सेंचुरी इन द लास्ट मैच काफी अच्छे मोमेंटम में है बैटिंग वाइज जो तीसरी पिक रहेगी हमारी बेस टीम में ऑलराउंडर सेक्शन में वो रहेगी सोफी डिवाइन लीडिंग रन गेटर एज वेल एज लीडिंग विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में बहुत ही बेहतरीन हेड टू हेड रिकॉर्ड है इनका ग्यारह इनिंग्स में सिक्स ट्वेंटी एट रन बना चुकी हैं सेवेंटी नाइन की एवरेज से और पंद्रह विकेट्स भी निकाल चुकी हैं इसके अलावा पिछले आठ हेड टू हेड आउटिंग्स में इन्होंने साथ में 48 से ऊपर रन बनाए हैं तो इन्हें भी आप लोग ड्रॉप नहीं कर सकते अपनी टीम से एंड इस हेड टू हेड का रिकॉर्ड में अगर मैं पिछले केवल आठ आउटिंग्स देखू तो उसमें साथ में इन्होंने फोर्टी से ऊपर रन बनाए हैं विच इंक्लूड्स फाइव टाइम्स हाफ सेंचुरी बना चुकी है और एक सेंचुरी भी बना चुकी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसके अलावा मैचअप्स अगेन अच्छे ही हैं क्योंकि हेड टू हेड काउंट भी इतना अच्छा है ऑलमोस्ट 60 की एवरेज से रन बनाए हैं साउथ अफ्रीकन बोलर्स के अगेंस्ट 467 सिक्सटी बना चुकी हैं बोलिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों यहाँ पे हम आपको रेकमेंड करेंगे न्यूजीलैंड की पेसर लिया तो हु को न्यूजीलैंड के लिए लीडिंग विकेट टेकर है इस साल बारह विकेट्स निकाल चुकी है एंड जो पिछला इन्होंने टी इंटरनेशनल खेला था उसमें फोर विकेट हॉल लेकर आ रही हैं इसके अलावा पिछले हेड टू हेड गेम में भी बहुत ही ब्रिलियंट थी अगेन जो कि वर्ल्ड कप में ही हुआ था दो विकेट्स निकाली थी और फुल कोट ऑफ ओवर्स अपने डाले थे जो लास्ट टॉपिक रहेगी बेस टीम में वो होगी साउथ अफ्रीका की लेफ्टार्म ऑर्थोडॉक्स बोलर एन लाबा साउथ अफ्रीका के लिए ये लीडिंग विकेट टेकर है इस साल पंद्रह विकेट्स निकाल चुकी हैं इनका भी पिछले हेड टू हेड गेम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था जो कि अगेन वर्ल्ड कप अगे में आया था थ्री फोर्ट लिया था इन्होंने एंड साउथ अफ्रीका के लिए लीडिंग विकेट टेकर है इस वेन्यू पर भी छह विकेट्स निकाल चुके हैं इसके अलावा अगर आप यहां देखोगे न्यूजीलैंड बैटर्स की स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्टार्म ऑर्थोडॉक्स बोलर्स स्पेशली इन ऑल टी इस साल तो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं आप यहां देख सकते हो अमिले गये बारह इनिंग्स में चार बार आउट हुई है सूजी बेस 11 में से चार बरी आउट हुई है सोफी डिवाइन भी 13 इनिंग्स में पांच बार आउट हो चुकी है तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी बेस टीम जहां पे हमने अभी बैटर सेक्शन में रखा है सूजी बेस, स्टैजन ब्रिच और लॉरा वुल्डवार्ड को ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी मारिज़ान सनकैप सोफी डिवाइन और अमेलिया केर बॉलिंग सेक्शन में लिया तहू और हमने रखा है एलाबा अब देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम सिनेरियो वाइज तो पहले देखते हैं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में लिया है क्लोई ट्रायन को ओवर नडीन डी क्लर्क दिस इज अ अक विच यू विलिंग टू टेक अगर आप लोग नडीन डी क्लर्क के साथ जाना चाहते हैं तो नडीन डी क्लर्क के साथ भी जा सकते हैं इर रिस्पेक्टिव ऑफ द सीनैरियो आप उन्हें अपनी बेस टीम में रख सकते हैं यहाँ पे हम क्लोई ट्रायऑन को लेकर जा रहे हैं क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा कि स्ट्रगल करते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लोई

नटीन डी क्लक लोई ट्रायन आप किसी को भी पिक कर सकते हैं बोलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड बॉलर है वो हम लेकर जाएंगे न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर ईडन कार्सन को न्यूजीलैंड के लिए सेकंड हाइस्ट विकेट टेकर है इस साल नौ विकेट निकाल चुकी हैं एंड पिछले छह आउटिंग्स में केवल एक ऐसी आउटिंग है जिसमें विकेटलेस गई है पिछले हेड टू हेड गेम में ये भी टू फर्ड लेकर आ रही है अगेन जो वर्ल्ड कप में हुआ था एंड टेरिफिक रहा है इनका टी ट्वेंटी में ओवरऑल रिकॉर्ड भी तेरह इनिंग्स में सोलह विकेट्स निकाल चुकी है स्ट्राइक रेट है केवल सोलह का एंड यहां पे आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका बैटर्स का स्ट्रगल वर्सेस ऑफ स्पिन इस साल में काफी ज्यादा रहा है लोरा वोलवार और मारिजान कैप को छोड़ के बाकी सबने स्ट्रगल किया है वोलवार भी सत्रह इनिंग्स में पांच बारी आउट हुई है आउट हुई है नौ इनिंग में तीन बार ट्रोई ऑन दस इनिंग में तीन बार आउट हुई है मारिजान कैप फोर्टीन इनिंग्स में दो बारी आउट हो चुकी है नडीन डीक आउट हुई है ग्यारह इनिंग्स में तीन बारी भाई सूर्य लूज आउट हुई है दस इनिंग्स में तीन बार तो यहाँ हम बैक करेंगे ईडन कार्सन को व न्यूजीलैंड इज बोलिंग फर्स्ट तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे बोलिंग सेक्शन मेंसन लिया एन लाबा ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको तीन बैटर्स दे जाने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली आप वहाँ पे क्लोई ट्रायन और नडीन डी क्लग दोनों को अपने ऑलराउंडर सेक्शन में ले सकते हैं और आप ड्रॉप कर सकते हैं एक बैटर अब देखेंगे दोस्तों क्या बनेगी टीम अगर साउथ अफ्रीका पहले बोलिंग कर रही है तो हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाएगी इजी गेस क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी बैटर सेक्शन हमारा सेम ही रहेगा जो कि रहेगा टाजमिन ब्रिज लोरा वोल्डवाट और सुजी बेट्स का ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पे हम नडीन डी क्लब को फोर शोर लेकर चलेंगे क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो डेफिनेटली ये दो ओवर्स अपने डेथ में डालते हुए दिखेंगी तो विकेट्स लेने की प्रॉबिबिलिटी बढ़ जाती है इसके अलावा इनका बैटिंग एवरेज भी हाइएस्ट है जितने भी प्लेयर्स इस गेम में आपको खेलते हुए दिखेंगे अमंगस्ट अमंगस्टेम फोर्टी uh, एट की ऑलमोस्ट एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं एंड बॉलिंग की अगर बात की जाए तो पिछले तेरह टी में केवल दो बारी ऐसा रहा है कि विकेट गई है बाकी सब में विकेट्स निकाली है इन्होंने बोलिंग सेक्शन की बात करें तो पार्ट फ्रॉम लिया था एंड एन लाबा यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे साउथ अफ्रीका की आय बोंगा को ये भी हमेशा मंगज विकेट्स रही है पिछले तीन आउटिंग्स में जो कि इस वेन्यू पर खेले गए हैं इसके अलावा अगर मैं पिछले पांच हेड टू हेड मीटिंग्स की बात करूं तो पांच विकेट निकाल कर आ रही है ये एंड इस साल ऑलरेडी ये दस आउटिंग्स में दस विकेट्स निकाल चुके हैं स्ट्राइक रेट है ट्वेंटी का तो ये बनी हमारी टीम अगर साउथ अफ्रीका पहले बोलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में इजी गेस बैटिंग में सूजी बेट्स टाइम्स ऑलराउंडर सेक्शन में मारेजन कैप डी सोफी डबन बोलिंग सेक्शन में रहेगी लिया तोह एंड लाभा आय खाका दोस्तों अब देखते हैं क्या बनेंगे हमारे कैप्टनसी ऑप्शन इस गेम में तो यहाँ पे हमारी पहली सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेगी मारेजन कैप जो कि बेहतरीन फॉर्म में है एंड दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकती है दूसरी हम अमिल्या केयर के साथ जाएंगे क्योंकि प्योरली बैटिंग से तो बहुत ही कमाल करके दिखा रही है इस टाइम पर डिफ्रेंशियल कैप्टनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे आपको न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को और साउथ अफ्रीका के कैप्टन लॉरा वोलवर्ड को तो दोस्तों ये तो रहा हमारा आज का रिव्यू आप जल्दी से देख लो कि नई व्यू स्पोर्ट की ऐप पर वी क्रेडिट्स कैसे यूज करते हैं क्योंकि काफी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वी क्रेडिट्स कैसे यूज करने हैं तो ये वीडियो बनाई है हमने आप लोगों के लिए आइए देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप का नया सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे वर्क करता है होम पेज पर क्रेडिट्स पर क्लिक कीजिए ऊपर आप देख सकते हैं अपने टोटल अवेलेबल वी क्रेडिट व्यू स्पॉट की एप डाउनलोड करने पे मिलेंगे हमारी तरफ से 50 फ्री वी क्रेडिट अगर आप और वी क्रेडिट लेना चाहते हैं तो एड मोर क्रेडिट्स पे क्लिक कीजिए जितना भी अमाउंट के वी क्रेडिट खरीदते हैं उस पर क्लिक कीजिए कंटिन्यू टैप प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड एंड सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेमेंट मेथड क्रेडिट लेने के लिए अब आखिर ये क्रेडिट कहाँ यूज होंगे आप किसी भी मैच का फैंटेसी इलेवन और फैंटेसी टिप्स देखने के लिए यूज कर सकते हैं ये वी क्रेडिट आप मैच पर क्लिक कीजिए व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद सकते हैं मंथली लाइफ टाइम अगर सिर्फ इस मैच का आपको फैंटेसी इलेवन देखना है तो आप सीधा टेन वी क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं होप अब आपको समझ आ गया होगा कि वी क्रेडिट्स कैसे यूज करने हैं इसके अलावा व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लेना वहां पे आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे कि फैंटेसी इलेवन कैसे देखनी है और फैंटेसी टिप्स कैसे देखनी है मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रिव्यू के साथ थैंक यू सो मच